अंतिम ओवर में मैं 5 छक्के मार चुका हूं, 1 छक्का बचा है और चुनाव में मारूंगा और सरकार बनाऊंगा। बीजेपी कह रही है कि इरफान जी इस बार हिट विकेट हो जाएंगे। इरफान सर धोखे से हिट विकेट कर सकते हैं, लेकिन सामने से हिट विकेट आप नहीं कर पाएगा। चर्चा है कि सीता सोरेन आपके खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। भाभी भी हैं और मैं देवर भी हूँ, भाभी का आशीर्वाद तो देवर को ही पड़ेगा ना, जब बड़ी है तो किसको पड़ेगा। मैं हर जगह जाऊँगा, आदिवासी के पास जाऊँगा, दलित के पास जाऊँगा, ब्राह्मण के पास जाऊँगा, मारवाड़ी का मैं नेता हूँ, ओबीसी का मैं नेता हूँ, ब्राह्मण भूमिहार राजपूत का मैं नेता हूँ, सबके पास जाऊँगा, हाथ जोड़ूंगा, बोलूँगा ये भाजपाई लोग ये तो दंगाई लोग हैं। इरफान भैया हमने 5,000 रुपये मिल लो, इरफान भैया 10,000 पा लिया हमने, हमने कितने पा लिए तो मिल गए ना हमने, सब भाई क्यों भौजाई क्यों दीदी क्यों सब मिला के हमने 11,000 टका मिल लो, तो एकदम बड़ी खुशी हो। या कड़ी बढ़ा देन, या कड़ी बढ़ा देन इरफान साहब, हमने रुक रुक तो हम कैबिनेट में जाओ, हम तेरे बता मुख्यमंत्री को बता देबो। तो जब हम मुख्यमंत्री को बताए कैबिनेट में, मुख्यमंत्री जी बोले कि सुझाव तो ठीक लग रहा है, इसको बढ़ा देते हैं। अब गोगो, अरे भाई क्या है गोगो, गोयर तो बंद हो गया, यहाँ नहीं चलेगा गोगो, ये दिवालियापन निकल गया है, लोग का लाते ही ख़त्म हो गया, फ्लॉप हो गया। हम देखने में ख़राब लग सकते हैं आपको, भाजपा को कभी पसंद नहीं आएगा हम लोग का चेहरा। आप तो स्मार्ट हैं। नहीं हमारी बात नहीं कर रहे, क्या बात करते हैं, बांग्लादेशी खोज के निकाली ना, हम तो बहुत ऊपर से हम खोज रहे थे बांग्लादेशी, हम भाजपा को सबूत कर देते हैं, पकड़ के ला देंगे। सभी भाजपा के तमाम विधायकों को काम दिया और उठा उठा के घर में सुता हुआ है, तो हम बोले कहाँ जी, कहता है पूजा कर रहे हैं। अरे पूजा मत करो, रोड बनाओ पहले, जाओ पहले रोड बनाओ, पुल लो हमसे आ गया, हाँ आ रहे हैं सर आ रहे हैं सर। तो ये काम इरफान अंसारी ने किया। आज इरफान जी सवाल वही है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, 90-95 दिन आप मंत्री रहे लगभग, कैसा अनुभव रहा, बहुत संघर्ष भी करना पड़ा इसके लिए? नहीं देखिए मैं बधाई देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को और हेमंत सोरेन जी को, कि जब क्राइसिस होता है ना तो ऑलराउंडर को उतारा जाता है। तो मैंने अंतिम ओवर में मैं 5 छक्के मार चुका हूँ, 1 छक्का बचा है और चुनाव में मारूंगा और सरकार बनाऊंगा। तमाम लोग सभी वर्ग का नेता इरफान अंसारी है, अब मैं बता दूँ आज देखिए पूरा हलचल है विभाग में कि सबका काम हो रहा है, सभी वर्ग का काम हो रहा है, कोई ऐसा बोल नहीं सकता। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इरफान जी इस बार हीट विकेट हो जाएंगे। अब भाजपा को बधाई हो, अब देखिए मैंने कहा ना कि मैं तो ऑलराउंडर हूँ मैं, अब इरफान अंसारी धोखे से हिट विकेट कर सकते हैं, लेकिन सामने से हिट विकेट आप नहीं कर पाएगा। चर्चा है कि सीता सोरेन आपके खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। अब देखिए मैं तो इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और भाभी भी हैं और मैं देवर भी हूँ, भाभी का आशीर्वाद तो देवर को ही पड़ेगा ना, जब बड़ी है तो किसको पड़ेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, भाजपा जिसको लड़ाना लड़ा दे, मैंने काम किया है, मैंने दिल जीता है, न केवल जामताड़ा, इरफान अंसारी जहाँ जाएगा वो सीट में जिताने का काम करूँगा। आज हमारा अल्पसंख्यक जिसको पासमानदा जिसको भाजपा गाली देती है, सुनिए लगातार हमें लालचन दिया जाता है, हमारे बच्चों को पेड़ में बांध कर मारा गया है, हत्यारे को भाजपा ने माला पहनाने का काम किया, मॉब लिंचिंग हुआ, तबरेज अंसारी सहित मिन्हाज अंसारी तक कई लोगों को मार दिया भाजपा ने, भाजपा की नीतियों से मारा गया, हमारे लोगों को उग्र कर दिया, अपनी जात में मार दिया हमारे लोगों को। तो साइड इफेक्ट तो पब्लिक को क्या मालूम है, पब्लिक तो समझ रही है हिंदू है मुस्लिम है दाढ़ी वाला है, लेकिन पब्लिक को समझना चाहिए भाजपा का चाल है, जितने लोग मरेंगे केस आप पे होगा और भाजपा पटाखे फोड़ेंगे घर में, वो जान रहा है कि हम तो हिंदू मुस्लिम कर दिए, हमको तो वोट मिलेगा, नहीं भागना है, इसको रोकने का काम इरफान अंसारी कर रहा है। फिर से लौटेंगे सरकार में? बिल्कुल, देखिए आज आप बताइए इरफान अंसारी जहाँ जाएगा, पासमानदा समाज को राहुल गांधी जी ने मंत्री बनाया, 18% एक भी वोट मैं कह दिया हूँ, इरफान अंसारी केवल एक जात का मंत्री नहीं है, सभी जात का मंत्री है, मैं हर जगह जाऊँगा, आदिवासी के पास जाऊँगा, दलित के पास जाऊँगा, ब्राह्मण के पास जाऊँगा, मारवाड़ी का मैं नेता हूँ, ओबीसी का मैं नेता हूँ, ब्राह्मण भूमिहार राजपूत का मैं नेता हूँ, सबके पास जाऊँगा, हाथ जोड़ूंगा, बोलूँगा ये भाजपाई लोग ये तो दंगाई लोग हैं, इसके पास मुद्दा कहाँ है, मुद्दा तो इरफान अंसारी के, हम लोगों ने काम किया है, दिल जीता है, 2500 रुपया बताइए एकदम खटाखट 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 बताइए, एक एक घर में अगर 50-50 हज़ार रुपये चला जाएगा, अभी 1,000 रुपया दिए ना तो एक एक घर में, अभी हमको औरतें लोग बता रही है कि हमारा लैंग्वेज बता रहा हूँ, खट्टा में हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा, हमने इरफान भैया हमने 5,000 रुपया मिल लो, इरफान भैया 10,000 पा लिया हमने, हमने कितने पा लिए तो मिल गए ना हमने, सब भाई क्यों भौजाई क्यों दीदी क्यों सब मिला के हमने 11,000 टका मिल लो, तो एकदम बड़ी खुशी हो। या कड़ी बढ़ा देन, या कड़ी बढ़ा देन इरफान साहब, हमने रुक रुक
तो हम कैबिनेट में जाओ, हम तुम्हें बता मुख्यमंत्री को बता देबो। तो जब हम मुख्यमंत्री को बताए कैबिनेट में, मुख्यमंत्री जी बोले कि सुझाव तो ठीक लग रहा है, इसको बढ़ा देते हैं। आज देखिए 2500 रुपया मिल रहा है, अब 1000 में जब 10-10 हज़ार 11 हज़ार हो रहा है तो 2500 रुपया मत सोचिए, 50,000-60,000 तक घर पर पहुँचेगा। पुरुष एकदम अपना काम करो, घर की चिंता मत करो, माँ बाप भाई बहन बहनों की चिंता मत करो, बहन की चिंता के लिए हेमंत सोरेन जी हैं, इरफान अंसारी हमारी सरकार है, घर मजबूत कर देंगे। एकदम ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं। अब गोगो, अरे भाई क्या है गोगो, गोएर तो बंद हो गया, यहाँ नहीं चलेगा गोगो, ये दिवालियापन निकल गया है, लोग का लाते ही ख़त्म हो गया, फ्लॉप हो गया। सरकार बनेगी, पब्लिक को मूर्ख नहीं समझिए, झारखंड को क्या एक्सपेरिमेंट का अड्डा समझ लिया भाजपा, क्या सब लगा दिए जो सुन रहे हैं, काटेंगे नहीं आप बता दे रहे हैं एकदम। ये गो 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 का दिवालियापन हो गया, अभी लारा गो, आपके यहाँ सरकार नहीं है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो केंद्र में लागू कर दिए गो गो योजना। आप झारखंड की जनता, ठीक है हम गरीब हो सकते हैं, हम देखने में ख़राब लग सकते हैं, आपको भाजपा को कभी पसंद नहीं आएगा हम लोगों का चेहरा, आप तो स्मार्ट हैं। नहीं हमारी बात नहीं कर रहे, क्या बात करते हैं, कभी चेहरा पसंद नहीं आएगा। आखिरी सवाल, क्या फिर से लौट रहे हैं आप लोग सरकार में? तो इसमें पूछने वाली बात है क्या? आचार संहिता लगने दीजिए, जब इलेक्शन होगा तब मैं पूछूंगा कौन है नहीं है। जनता का मिजाज में बैठ गया हूँ, हमारी सरकार बैठ गई है। अब आप बता देता हूँ मैं आपको, हेमंत सोरेन, कल्पना भाभी, 19 तारीख राहुल गांधी, भाजपा समाप्त, डर हो गया भाजपा को। काट कहाँ है आपके पास? बांग्लादेशी खोज के निकाली ना, हम तो बहुत ऊपर से हम खोज रहे थे बांग्लादेशी, हम भाजपा को सबूत कर देते हैं, पकड़ के ला देंगे। ये जनता का जहन गंदा करने के लिए आप लोग चलाते हो। हम लोग एक एक काम किए, रोड का अंबार बिछा दिया मैंने, पुल पुलिया जो 18 सालों में भाजपा ने भेदभाव किया उस दीवार को तोड़ दिया हूँ मैं कम समय में। लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज आप आंकलन आप लोग भी कीजिए ना, अब देखिए कितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं सभी भाजपा के तमाम विधायकों को काम दिया और उठा उठा के, घर में सुता हुआ है तो हम बोले कहाँ जी, कहता है पूजा कर रहे हैं। अरे पूजा मत करो, रोड बनाओ पहले, जाओ पहले रोड बनाओ, पुल लो हमसे आ गया, हाँ आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर। तो ये काम इरफान अंसारी ने किया, बीजेपी के विधायकों को सुता हुआ है, हम उठाए फ़ोन करके, दादा कहाँ है, अरे सुता लेटा हम, कितना नाम बताइए, अब थोड़ी नाम बता के फिर आप फिर नोटिस भिजवा दीजिएगा आप भाजपा लोग नोटिस www.thefollowup.in